मेरा नाम नंदकिशोर चौहान है। मैं राजपुर आशा संस्था से आया हूँ। ये मन्ना लाल भाई जो सौंफ की खेती करते हैं, तो ये कैसे क्या करते हैं ये, चलो आप हम उन्हीं से मिलते हैं और वही बताएंगे कि सौंफ की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। राम राम भैया। राम राम भाई, राम राम। मारा नाम नंदकिशोर चौहान छे, हम राजपुर आशा संस्था से आयल छे। भैया तुम्हारा नाम का ही छे यार। हाँ, मार नाम अनाल मुजाले छे भाई, ग्राम बजाटा रहन। हमारे पोस्ट बड़गा तो तहसील ठिकरी छे, जिला बड़वानी। यार भैया तुम यहाँ पर काई कर रहे हैं हाँ भैया, यहाँ सौंफ का देखना आया, देखो कैसी पकी गई कि नहीं पकी, नहीं तो उसे काट लूँगा। यार। मन्नल भाई मक्के ये बताओगे कि सौंफ की खेती केना प्रकार से करा जो रकम काई के सामग्री लगे सौंफ की खेती करना में। हाँ भैया, कम सामग्री का ही सामग्री कहीं नहीं, खाली बाजार से रोप बीज ले आनो, न वक पाले न में लगे देना, तो रोपो तैयार हो जाए। फिर कोई अच्छा जानता मनुष्य ना, समझदार मनुष्य ना, लगे उन्होंने वक बालक में जगह लगाना, क्योंकि बालक कुछ कम ज़्यादा लगे दे, एक जाना समझदार मनुष्य ने लगाने का लगे देना, बस फिर पानी चालू कर देना। यार भैया ये को जो तुम रोपो कहो तो जो तैयार कितना दिन में हो जाए रोपो। हाँ भैया, अगर रोपो महीना डेढ़ महीना लग जा रहा है, 1 महीना 1.5 महीना में अच्छे जड़ो हो जाए जरा, फिर लगे देना। यार भैया एक कसो का लगाओ जैसो कि अपना पास जैसे रोपो तैयार हो गया मान लियो, तो कुछ अपने एक पाड़ी ने पाड़नू पड़े कि अपने एक कहीं का धामान में भी लगे सका जाना रोपा का। हाँ, एक पाला थोड़ा लगाना, एक लांगी खेचना, सीधी लांगी ना, सीधी लांगी में लगे देना, एक अरे ना रोपा कर, कहीं कपास हुई हो, कपास में धामा पड़ जाए वका में लगे सकें, कहीं मिर्ची हुई मिर्ची में लगे सकें, हर फसल में काम आ सका, सो कहीं नुकसान कहीं कहीं फसल में दे, और जाए जल्दी फसल लगाओगे नहीं, फसल पक जाए यार। यार भैया यो जो सोप तुम लगाओ तो ये कितना दिन में अपने पास पकिन तैयार हुई जाए मतलब सोप। हाँ भैया, कम से कम 5 से 6 महीना में पाकी जाए ना, पाके लिए खोल लेना, थोड़ी कि एकदम से पूरी पाकी जाए, या जैसे पहले फुला वो पकता जाए ना, बाद में पकती वैसे जाए, तो जैसे पकती जाए वैसे का अपन तोड़ता जाना। यार भैया एक अपन तो ज़्यादा मेहनत लगती होगी जैसे कूटनो ना ये को खुड़ो न काटो नहीं ये जमाना भर की हडक लगती होगी एक बात है। हर भैया मेहनत तो लगे, पर कहीं से एक भाव अच्छा रहे, एक खोड़ी लेना सुखा लेना, न फिर कुटी लेना, न जैसे हरी का अपन का तोड़ांगा, हरी का भाव भी ज़्यादा रहे, ज़्यादा पकी जाए तो पीला ही पड़ जाए, फिर भाव नहीं रहते, तो अच्छे भाव लेना नहीं अपना। हाँ देखो भैया, ये सो यो फूल से यो पकी को एक हाथ से तोड़ लेना, नहीं सुखा लेना, न कूट लेना, न बाजार में दे, नहीं तो अब जैसे यो फूल से यो ज़्यादा पीड़ो पड़ना मन को, तो ये तो पीड़ो जी फन लेना, ये ना फूल जैसे हर रोज रहे तोड़ लेना, नहीं काटी तो सुखा दे, तो ये सब पड़ जाएगा, कुटना सब पड़ जाएगा, ये का भाव अच्छा रहेगा। यार भैया तुम ये ना हिसाब से जो सौंफ की खेती कर रहा तो एक में फायदो कितरों का मिले तुमको। हाँ भैया, एकासी वो फायदा रहे कि अब हल्की जमीन में पाकी जाए, नहीं को भाव अच्छा रहे नहीं तो, अरे 1 एकड़ में करीबन 4-5 क्विंटल पाकी जाए, कभी 100 रुपया का भाव भी आ जाए, नहीं तो फिर 60-70 रुपये का भाव कहीं गए नहीं, तो 4-5 क्विंटल पाकी जाए तो हल्की ज़मीन में दूसरी फसल तो पाका नहीं थी, एक आ जाए हमें इतनी ज़मीन में हल्की ज़मीन में सौंफ की फसल ले आनी। यार भैया तुमने जो सौंफ की खेती के बारे में जानकारी दी अकाल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम अन्य किसान भाई ने का सौंफ की खेती के बारे में कई संदेश देना चाहोगे। हमारा सभी किसान भाई बहन से ये कहना चाहिए कि सौंफ की खेती एक बहुत अच्छी खेती रहे, क्योंकि एक अपना हल्की जगह में लगे सकन, वहाँ भी पाकी जाए, न कभी भारी ज़मीन दूसरी फसल लगा वहाँ धामा पड़ जाए, तो वहाँ धामा में अपने एक लगे सकन, वहाँ भी पाकी सक जाए, नहीं पानी भी ज़्यादा नहीं लगता, कम पानी में हल्की ज़मीन में भी अच्छे फायदे दे, एक हाँ तो कई 20-25 साल से याद फसल ले रहे, तो हाँ तो सब किसान भाई हमारे कहना चाहिए कि तुम भी नहीं फसल लगाओ। यार भैया तुमने मुझे सौंफ की खेती के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी, एक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।